सीरीज में सभी कंटेंट देखने को बहुत ज्यादा मजा दिया है। अब हिंदी डब की बात करें, अगर साइंस फिक्शन मूवी रोमांटिक वेब सीरीज या कोई थ्रिल वेब सीरीज ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अगर किस्मत में ये सीरीज आप लोग अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो आज का वीडियो एंड तक देखना, शायद ही आप लोगों ने इंग्लिश में से कोई मूवी देखा ही होगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2022। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपको कोई सीरीज या मूवी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, एयरलेस ऑफ बॉर्डरलैंड। सीरीज की कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो अचानक से एक पैराडल वर्ल्ड पे फंस जाते हैं, जहाँ पर उनको जिंदा रहना है, लेकिन उसके लिए उनको खेलना पड़ेगा एक गेम। बेसिकली आप सर्वाइव करोगे गेम खेलकर। तो वहाँ पे अगर आपको छोड़ दिया जाता है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, वही एक्सपीरियंस आपको दिखाया जाएगा इस सीरीज पे। 7.7 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4, मून नाइट। अगर आप मार्वल के फैन नहीं हो तब भी आपको ये सीरीज पसंद आएगा, चाहे इसका एक्शन सीक्वेंस ले लो या फिर कॉमेडी टाइमिंग या फिर एक्शन कॉमेडी ले सकते हो। कहानी शुरू होती है स्टीवन की, जो कि 2 ग्रीक गॉड के बीच फंसा हुआ होता है। स्टीवन की एक मल्टी पर्सनालिटी कैरेक्टर है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो एकदम रिग्रेट फील नहीं होगा, आप जाकर टाइम दे सकते हो। ये सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नंबर 3, स्ट्रेंजर थिंग्स। अब इस सीरीज के बारे में क्या ही बोलूं, जहाँ पे लोग एक सीजन यानी कि 8 एपिसोड सिर्फ एक ही दिन पे खत्म कर देते हैं, तो सोचो ये सीरीज क्या ही बवाल होगा। खैर कहानी की बात करें तो कहानी शुरू थी एक छोटे से टाउन से, जहाँ पे एक के बाद एक आदमी गायब होता रहता है। इसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपा है, क्या कहानी है, बस उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ता है ये सीरीज। जो भी कुछ होता है ये सिटी पे किसी भी पर्सन को भी नहीं पता, यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं पता, लेकिन 5 बच्चों को पता होता है। किस तरह से वो छोटे बच्चे एक सुपर नेचुरल पावर के सामना करते हैं। 8.7 IMDb रेटिंग के साथ सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2, द बोर्डिंग स्कूल। अब भाई ऐसा बोर्डिंग स्कूल रहेगा तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। सिटी से दूर जंगल एरिया में बनाया गया है, जिसमें कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कुछ अनाथ होते हैं और कुछ अमीर होते हैं और कुछ ज्यादा ही घमंडी। अगर जरा सा भी गलती करते तो आपको ऐसा सजा मिलेगा, भाई शायद आपने कभी सोची हो। खैर इस सीरीज बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। अब नंबर 1 सीरीज मैंने इसलिए रखा है इसको नंबर 1 पे, ये सीरीज सबके लिए नहीं है, मैं पहले बोल दूं। जिनको ड्रामा पसंद है, जिनको रोमांटिक सीरीज देखना पसंद, वो सीरीज इनके लिए ही है। थोड़ी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होने के बाद भी आपके पति को अफेयर है, इसके बाद उसकी वाइफ दिल के अंदर जो इमोशन होते हैं वो स्टैंड अप पे बोलती है, ऐसे करते करते एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाती है। इस तरह से ये सीरीज अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा जाता है। तो गाइस आज मैंने कुछ टॉप 5 हिंदी बेस्ट वेब सीरीज मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी नहीं देखा तो जाके टाइम दे सकते हो। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना, ऐसे 2 अदर वीडियोस आता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।